कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर। हम सबने पढ़ा है गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जिसको हम यूज करते हैं बहुत छोटे से करंट को मेजर करने के लिए। अब अगर हम ये हमें छोटा सा करंट नाप के देता है, अगर हमें लार्ज करंट मेजर करना है तो फिर हम इस डिवाइस का यूज नहीं कर पाते। इसका कारण ये है, अगर लार्ज करंट भेजेंगे तो इसकी जो कॉइल है वो डैमेज हो जाएगी और फिर हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर पाएंगे। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके उसको एमीटर में बदल सकते हैं। जब गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके हम एमीटर में बदल देंगे तो हम एमीटर की मदद से लार्ज वैल्यू ऑफ करंट भी मेजर कर पाएंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि गैल्वेनोमीटर को अगर हमने यूज कर लिया लार्ज करंट मेजर करने के लिए तो हम क्या डिफिकल्टीज फेस करेंगे। सबसे पहली डिफिकल्टी जो हम फेस करेंगे कि जो ये जो गैल्वेनोमीटर डिवाइस है ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, यानी कि अगर हमने इसमें बहुत छोटा सा करंट भेजा, सिर्फ फॉर एग्जांपल मैंने बहुत छोटा सा 1 mA करंट भेजा, तो मैं देख सकती हूँ कि इसका जो पॉइंटर है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। मतलब इसको मैं बोल सकती हूँ करंट करस्पोंडिंग टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, करंट बहुत थोड़ा सा और डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा, इससे ज्यादा तो ये डिफ्लेक्ट हो नहीं पाएगा। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि ये बहुत ही कम रेंज का करंट हमको नाप के दे पाएगा। कितना करंट हमें नाप के दे पाएगा? 0 to 1 mA, इससे ज्यादा करंट ही हमको मेजर करके नहीं दे पाएगा। इसीलिए हम गैल्वेनोमीटर को सूटेबल डिवाइस कंसिडर नहीं करते करंट को मेजर करने के लिए। दूसरी डिफिकल्टी बच्चों ये आएगी, से फॉर एग्जांपल मैंने एक डीसी सर्किट बनाया, सिंपल सा डीसी सर्किट बनाया, एक रेजिस्टेंस लगाया और एक बैटरी से उसको जोड़ दिया। बैटरी का ईएमएफ ई है, ठीक है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जिससे चार्जेस को एनर्जी मिलती है और सर्किट में करंट फ्लो होता है। अब जब हम इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। अब कितना करंट फ्लो होगा इसको हमें नापना है, तो उसको पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम सबको ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ के हिसाब से हमको जो करंट कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ई बाय आर, ठीक है। अब आई को मेजर करने के लिए हमको सर्किट में लगाना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर को। अब सवाल ये उठता है कि गैल्वेनोमीटर को कैसे लगाए, सीरीज में लगाया जाए या पैरेलल में लगाया जाए। तो इसको अगर हम पैरेलल में जोड़ते, देखिए यहाँ पे मैंने सीरीज में जोड़ा, अगर मैं पैरेलल में जोड़ती तो ये जो करंट हमको नापना है ये डिवाइड हो जाता, क्योंकि हमेशा आप याद रखेंगे कि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज सेम रहती है, और सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है और करंट सेम रहता है। तो हमारे लिए क्या सूटेबल है, ये हमारी मजबूरी है कि हमको गैल्वेनोमीटर को सीरीज में ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इसे पैरेलल में जोड़ा तो करंट डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने इसको सीरीज में लगा दिया, पर सीरीज में लगाने के बाद एक और दिक्कत अराइज हो गई। वो दिक्कत ये अराइज हो गई कि अब मैंने सोचा कि मैं करंट मेजर करती हूँ, इस गैल्वेनोमीटर को मुझे कितना करंट नाप के देना चाहिए था, I = E/R, पर इसने मुझे इतना नहीं इतना नाप के दिया। हुआ ये कि ये गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर कॉइल है, कॉइल वायर की बनी होती है, उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया। देखिए ई तो अपनी जगह पर है, आर हमने कनेक्ट किया था, अब गैल्वेनोमीटर के कॉइल का भी कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है 1 to 100 ohms तक, वो क्या हो गया, इस आर के साथ जुड़ गया। इस वजह से क्या हुआ, सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया और सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट की वैल्यू कम हो गई। तो अब इस नए करंट को मैंने क्या नाम दिया, I-, रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट कम हो गया, मतलब जो वैल्यू हमको मेजर करके ये दे रहा है वो हमारे एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट से कम है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो जितना हमको नाप के मिलना चाहिए था गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाने के बाद हमको उतना नहीं मिल पाया, उससे कम वैल्यू मिली, इसका मतलब हमारी रीडिंग में क्या आया, एरर। और फिजिक्स में एरर वाली रीडिंग हम कंसीडर नहीं करते, हम यही कोशिश करते कि विदाउट एरर वाली रीडिंग आए। तो दूसरी डिफिकल्टी जो मैंने फेस करी वो ये थी कि गैल्वेनोमीटर को जब मैंने सर्किट में जोड़ा तो रीडिंग जो मुझे मिली उसमें क्या इंट्रोड्यूस हुआ, एरर। तो पहली दिक्कत ये थी कि उसकी रेंज लिमिटेड थी, दूसरी दिक्कत थी कि उस रीडिंग में क्या आ रहा था, एरर। अब तीसरी दिक्कत क्या हुई कि मान लो मैंने सोचा मैं ज्यादा करंट मेजर करके देख कोशिश करती हूँ, ज्यादा करंट मेजर करने की, मैंने यहाँ पे 1 mA नहीं 1 A करंट भेज दिया, तो 1 A करंट तो बहुत हाई करंट हो जाएगा। उससे क्या होगा कि ये पॉइंटर हमने पढ़ा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, अगर आई की वैल्यू ज्यादा होगी तो थीटा की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो अगर आई बहुत ज्यादा होगा तो ये
पॉइंटर भी बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, और बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा तो ऐसा हो सकता है कि ये डिफ्लेक्ट होते होते टकरा जाए किससे, स्टॉपर पिन से, और टूट जाए। तो अगर पॉइंटर टूट जाएगा तो हमारा डिवाइस ब्रेक हो जाएगा। और एक चीज हो सकती है, अगर लार्ज करंट फ्लो होगा तो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट कॉइल जल सकती है, कॉइल जलने से भी हमारा डिवाइस खराब हो जाएगा। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किए कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को लार्ज करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं तो हमें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सी दिक्कतें आएंगी, हाईली सेंसिटिव होने की वजह से उसकी रेंज लिमिटेड रहेगी, रीडिंग में एरर आएगा, तीसरी चीज डिवाइस डैमेज हो जाएगा। तो अब इतनी सारी दिक्कतों को सही कैसे किया जाए, ठीक है? तो उसके लिए हम अब मॉडिफाई करेंगे, अब हम अपने डिवाइस को मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करने के बाद हम उसको बदल लेंगे एमीटर में। अब हम सीखेंगे कैसे गैल्वेनोमीटर को बदल दिया जाता है एमीटर में। तो उसके लिए जो थियोरी हमें स्टडी करनी है, उस थियोरी का नाम है थियोरी ऑफ शंट, ठीक है? अब इसमें क्या करना है देखिए, हमने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये वाली रीडिंग मेजर करके हमको डिवाइस ने दी थी और ये हमें मिलनी चाहिए थी, ठीक है? ये वाली जो रीडिंग है वो इससे कम है, हम चाहते हैं कि आई डैश आई के बराबर हो जाए। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा कि ये जी एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया था, ये कॉइल का रेजिस्टेंस है जो एक्स्ट्रा जुड़ गया था। हम कोशिश करेंगे कि हम जी की वैल्यू को कम करें, क्योंकि अगर जी की वैल्यू कम होगी तो ये आर प्लस जी रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ऐसा करने से आप देखेंगे जी की वैल्यू को हम घटाएंगे, जी की वैल्यू घटाने से क्या होगा, आई डैश की वैल्यू आई के करीब चलती जाएगी, यानी आई डैश विल अप्रोच द एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है? तो हमें करना क्या है, हमारा एम क्या है, अगर हमें एरर फ्री रीडिंग चाहिए, विदाउट एरर वाली रीडिंग चाहिए, तो हमको जी, व्हाट इज जी, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के कॉइल के रेजिस्टेंस को हमें रिड्यूस करना है, जी की वैल्यू हमें कम करनी है। तो जी की वैल्यू को कम करने का तरीका हमने ढूंढा, और वो ये था कि हमने ये जो दिख रहा है आपको, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर कॉइल है, ठीक है? इस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, जी। तो हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के कॉइल के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ा, उस रेजिस्टेंस का नाम हमने रखा एस। व्हाट इज एस, एस इज शंट रेजिस्टेंस, एस को हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, इसलिए इस थियरी का नाम हमने क्या रख दिया, थियरी ऑफ शंट। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस हम चूज करेंगे ये कैसा होना चाहिए, लो वैल्यू का होना चाहिए। कभी भी याद रखना कि अगर हमें रेजिस्टेंसेस को, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करना है तो हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ते हैं, और जब रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता है तो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है। यहाँ पे हमारी जरूरत क्या है, जी को कम करना, इसीलिए हमने एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लिया और उसको गैल्वेनोमीटर के कॉइल के साथ क्या किया, पैरेलल में जोड़ दिया, और इस रेजिस्टेंस का नाम क्या रख दिया, शंट रेजिस्टेंस। अब जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते हैं तो दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो लेसर देन द लीस्ट होता है। इसका मतलब ऐसा समझिए कि मान लीजिए ये जी का वैल्यू से फॉर एग्जांपल कितना है, 100 ओम, और ये एस की वैल्यू मैंने कंसीडर करी कितनी, 1 ओम। तो अगर मैं इनका इक्विवेलेंट निकालूं तो ये हो जाएगा जी एस अपॉन जी प्लस एस। जी एस का वैल्यू कितना है, एक है 100, दूसरा है 1, और ये हो जाएगा 101। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लगभग 0.99 आएगी। देखिए हमने कितना जोड़ा, 1 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा, किसके साथ जोड़ा, गैल्वेनोमीटर के कॉइल के साथ जोड़ा। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो एस, जो सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस था, उससे भी कम हो गया। एस का वैल्यू कितना था, 1, और इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 से भी कम, कितना, 0.99। तो इसीलिए ये जो कॉइल है गैल्वेनोमीटर का, इसके साथ शंट पैरेलल में जोड़ने से इस गैल्वेनोमीटर के कॉइल का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हमको मालूम है आई डैश की वैल्यू इंक्रीज करेगी और किसके करीब पहुंच जाएगी, आई की वैल्यू। सो इसको हम बोलते हैं थियोरी ऑफ शंट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा करंट है जो लार्ज करंट है, इसको हमने से फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू हमने सेट कर दी कितनी, 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बहुत बड़ा करंट है, लार्ज करंट है जो गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं कर सकता। लेकिन अब हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल दिया, कैसे,
कॉइल के साथ क्या लगा दिया, पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस। अब ये गैल्वेनोमीटर नहीं, अब ये क्या बन चुका है, एमीटर बन चुका है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ से कितना करंट आ रहा है, 1 एम्पियर। जब ये करंट यहाँ पे पहुंचेगा, से फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद इस करंट के पास जाने के लिए दो रास्ते होंगे। इसका कुछ पार्ट गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएगा और कुछ करंट चल के इस रेजिस्टेंस में फ्लो होगा। तो हमने क्या किया बताइए, एस की वैल्यू हमने कैसे सेलेक्ट करी है, एस की वैल्यू हमने कैसी रखी है, लो। लो रखने से क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो ज्यादा करंट उस रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा। इसका मतलब अगर ये जो आई है, आई का मैक्सिमम पार्ट एस में फ्लो होगा और कम से कम पार्ट गैल्वेनोमीटर में जाएगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आई जो है वो लार्ज वैल्यू ऑफ करंट है। सबको पता है करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यहाँ का रेजिस्टेंस कैसा है, कम, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो मैक्सिमम, मतलब आई एस की वैल्यू ज्यादा होगी और आई जी की वैल्यू कम होगी। और आई जी की वैल्यू कम होने का हमको एक और फायदा मिलेगा, हमको मालूम है अगर आई जी गैल्वेनोमीटर में अगर ज्यादा करंट चला गया तो वो डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक डिफिकल्टी तो हम ओवरकम कर पा रहे हैं। क्या हमने ओवरकम किया, कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट भेजना था वो लो वैल्यू का भेजना था, और देखिए इस अरेंजमेंट के हिसाब से गैल्वेनोमीटर में लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जा रहा है और हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू का करंट इस रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है, इस वजह से ये डैमेज होने से बच जाएगा। एक डिफिकल्टी हमने ओवरकम कर ली। दूसरी, रेंज बढ़ानी थी, तो रेंज बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, देखिए ये करंट स्प्लिट हो गया, आई स्प्लिट हो गया दो हिस्सों में, एक पार्ट है आई जी, एक पार्ट है आई एस, ठीक है। अब यहाँ से आई जी फ्लो होगा, इधर से आई एस फ्लो होगा, यहाँ पे जाके दोनों मिल जाएंगे, तो यहाँ पे जो टोटल करंट मिलेगा वो होगा कितना, आई जी प्लस आई एस। अब आपका जो एम मीटर है वो आपको कितना करंट मेजर करके देगा, 1 एम्पियर। मतलब ये वाला जो सर्किट है अब ये बदल चुका है, किसमें बदल चुका है, एम मीटर में बदल चुका है। इसका मतलब ये पूरा पार्ट जो है वो आपका एम मीटर है। देखिए आई जो कि लार्ज वैल्यू ऑफ करंट यहाँ से एंटर हो रहा था वो अब यहाँ पहुंच गया, और एम मीटर जो डिफ्लेक्शन शो करेगा वो अब कितना करेगा, 1 एम्पियर। सो दिस वॉज हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू एम मीटर। अब हमको डिस्कस करने हैं कुछ फॉर्मूलेस, मैथमेटिकल फॉर्मूलेस। सबसे पहला फॉर्मूला रेंज, रेंज रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे रेंज का, रेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। आई अपॉन आई जी, क्या फर्क है दोनों करंट में, आई जी वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर मेजर कर रहा था, आई वो करंट है जो एम मीटर मेजर कर रहा है। देखिए आई जी करंट वो करंट है जो शंटिंग करने के पहले गैल्वेनोमीटर मेजर करके देता था, और आई वो करंट है जो हमने मेजर किया आफ्टर शंटिंग। आफ्टर शंटिंग हमने कितना करंट मेजर किया, 1 एम्पियर। बिफोर शंटिंग ये हमको कितना मेजर करके दे रहा था, 1 मिली एम्पियर। देखिए 1 मिली एम्पियर अपॉन 1 एम्पियर, मतलब कितना हो गया ये, 10 to the power 3। मतलब गैल्वेनोमीटर की जो करंट नापने की रेंज थी वो अब 1000 गुना बढ़ गई है, ठीक है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन आई जी। सेकेंड फॉर्मूला हम ये देखेंगे कि अगर हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ना है, ठीक है, जो मेकर होगा इंस्ट्रूमेंट का वो सोच समझ के ही एस की वैल्यू सेट करेगा, तो वो एस की वैल्यू का कैसे पता लगाएगा। हमने आपको बताया था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। देखिए से फॉर एग्जाम्पल इस टर्मिनल का नाम ए है, इसका नाम बी, इधर मैंने नाम रख दिया एक्स और इधर मैंने नाम रख दिया वाई। तो जितनी वोल्टेज ए बी के अक्रॉस होगी उतनी वोल्टेज एक्स वाई के अक्रॉस होगी। हमने कैलकुलेट किया ए बी के अक्रॉस कितनी वोल्टेज, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। बताइए इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई जी। कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, जी इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स वाई के अक्रॉस वोल्टेज। वोल्टेज कैसे नापेंगे, करंट। अब IS, IS is nothing but current flowing through the shunt. Shunt resistance में कितना current flow होगा, I minus IG. Total कितना आ रहा था, I. उसमें galvanometer में कितना चला गया, IG. तो shunt resistance में कितना पहुंचेगा, I minus IG. So S into I minus IG. इस I minus IG को मैंने इधर shift किया और S की value calculate करी, तो S की value आई IG upon I minus IG into G.
सो इस तरीके से हमने शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। अब हमको ये देखना है कि ये जो करंट दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया, इसमें गैल्वेनोमीटर में कितना करंट गया और शंट रेजिस्टेंस में कितना करंट गया। सो अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं आईजी का वैल्यू, आफ्टर दैट हम आईएस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन हमने वही रूल यूज किया, इसी को मैंने यहाँ पे रीराइट किया, आईजी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आईजी इंटू एस। अब मैंने बेटा इस ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को ओपन किया तो मुझे मिला आई एस माइनस आई जी इंटू एस। अब मैंने क्या किया, जी वाले टर्म्स एक तरफ कर ली, माइनस आई जी एस को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो ये हो गया प्लस आई जी एस इज इक्वल टू आई एस। अब मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स में से आई जी को कॉमन निकाला, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस जी प्लस एस को आर एच एस में शिफ्ट करके क्या कैलकुलेट कर लिया, आई जी। तो कितना करंट गैल्वेनोमीटर में के अंदर फ्लो होगा, एस अपॉन जी प्लस एस, जो भी टर्म ब्रैकेट में लिखी है वो रेजिस्टेंस है, एस शंट रेजिस्टेंस है, जी गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस है और आई क्या है, करंट। सेम अप्रोच से मैंने क्या कैलकुलेट किया, करंट फ्लोइंग इन द शंट, फिर से मैंने वही रूल यूज किया, पैरेलल में क्या सेम होती है, वोल्टेज। अब गैल्वेनोमीटर का करंट हम अगर सपोज आई करंट है तो हम आई जी को क्या लिख सकते हैं, आई जी कैन बी रिटन एज आई माइनस आई एस, टोटल में से शंट रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहे करंट तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने इसको लिखा आई जी के जगह लिखा हमने आई माइनस आई एस, जी के जगह जी, बाकी टर्म एज इट इज। अगेन इस ब्रैकेट को ओपन किया, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आई एस वाली टर्म्स एक तरफ रखी, दोनों में से दोनों में दोनों टर्म्स में से आई एस को कॉमन निकाला और आई एस की वैल्यू कैलकुलेट करी जो कितनी आई, जी अपॉन जी प्लस एस इंटू आई। सो दिस वॉज माई लेक्चर ऑन हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर। थैंक यू सो मच।